अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आज मैं आपको मोविनपिक होटल का रिव्यू दूंगा। इसका पूरा नाम है अनवारुल मदीना मोविनपिक होटल। ये देखें, ये अरेबिक में लिखा हुआ है मोविनपिक और यहाँ पर लिखा है अनवारुल मदीना। यहाँ से मॉल की एंट्रेंस है इस होटल के, इसलिए ऊपर आपको मॉल का नाम लिखा नज़र आ रहा होगा। बाहर से होटल देखें इस तरह है, काफ़ी बड़ा होटल है ये। बहुत इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और काफ़ी बड़ा इसने एरिया कवर किया हुआ है। ये देखें, यहाँ से आपको ये दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल हरम के सामने है। दैट्स द मेन थिंग जो मुझे इस होटल की अच्छी लगती है कि आप जैसे ही बाहर निकलें सामने ही मस्जिद नबवी का गेट है, गेट नंबर 328, गेट नंबर 327, गेट नंबर 326, ये तीनों गेट इस होटल को लगते हैं। और ये देखें, यहाँ पर इसका नाम ये लिखा हुआ है इस साइड पे। आपको मैं यहाँ से फुल रिव्यू देखता हूँ, देखें आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बड़ा ये होटल है। ये इसकी एक साइड है और ये इसकी दूसरी साइड है, बैक साइड। ये देखें, और ये 5-स्टार होटल है, काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग है, काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ हैं। अगर आप देखेंगे इसके आसपास भी काफ़ी डिफरेंट होटल्स हैं। ये देखें, दारुल ईमान इसके पास है, सामने अलतैबा होटल है उस साइड पे, वो जहाँ पे आपको बिन दाऊद का साइन नज़र आ रहा है। बिन दाऊद यहाँ पे एक फ्रेंचाइज स्टोर है, वो सामने वाले होटल के बेसमेंट में है। और ये जो मोविनपिक होटल है इसके अंदर भी बिन दाऊद मौजूद है, इसकी बेसमेंट के अंदर बिन दाऊद का एक स्टोर मौजूद है। तकरीबन दो इसके फ्लोर हैं, 2 से 3 फ्लोर जो कि मॉल एरिया है, और वहाँ पर आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, चीज़ें वगैरह देख सकते हैं। ये देखें, ये इसी होटल की ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये स्टोर्स वगैरह बने हुए हैं। बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज्वेलरी स्टोर्स हैं। ये बिल्कुल सामने देखें, ये गेट नंबर 328 है। हम लोग ज़्यादातर इसी गेट से एंटर होते हैं क्योंकि ये क्लोजेस्ट गेट है हमारी, हमारे रूम के पास से। ये देखें, गेट नंबर 328, और सामने आप देख लें कि मस्जिद नबवी साथ ही है। ये देखें, और आज देखें अम्ब्रेलाज वगैरह माशाल्लाह ओपन है। आज गर्मी है इसलिए फुल अम्ब्रेलाज इन्होंने ओपन की हुई हैं। नमाज से हम लोग डन हो गए हैं इसलिए फैंस आपको नज़र आ रहा होगा कि फ़ैन्स बंद हैं। नमाज डन होने के थोड़ी देर के बाद ये फ़ैन बंद कर देते हैं। देखें यहाँ से व्यू देखें, ये इसका गेट नंबर 328 से। अब मैं मस्जिद के अंदर से आपको दिखा रहा हूँ इस होटल का व्यू। ये देखें, ये अनवारुल मदीना मोविनपिक होटल है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बहुत बड़ा होटल है, बहुत कम मुझे इस तरह होटल नज़र आए हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जगह ली हो और काफ़ी बड़े हों। ये दारुल ईमान होटल भी काफ़ी बड़ा है। ये देखें, ये बिल्कुल साथ है इसके। इस होटल में हमने स्टे नहीं किया क्योंकि जब भी मैंने पैकेजेस वगैरह देखे हैं, प्राइस देखी हैं, दारुल ईमान की प्राइस तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। बहुत महंगा होटल है दारुल ईमान, इसलिए हमने कभी यहाँ पर ठहरने का नहीं सोचा। ये देखें, अब ये सामने शॉप्स हैं, आपको कुछ शॉप्स वगैरह मैं दिखा देता हूँ। अपने गिफ्ट पैक लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें, ये ऊद की शॉप है। ये फार्मेसी है यहाँ पे। ये गोल्ड की शॉप है, देखें ज्वेलरी। और यहाँ से देखें मेन एंट्रेंस, इधर से भी है, चारों तरफ से एंट्रेंस है, लेकिन मैं आपको एक एंट्रेंस में आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जैसे ही आप एंटर हो सामने शॉप्स हैं। ये अबाये वगैरह की ये काफ़ी बड़ी शॉप देखें, बिल्कुल अंदर तक। और सामने माशाल्लाह लिखा हुआ है आई लव मदीना। ये देखें, गोल्ड शॉप, फार्मेसी, और वो देखिए अंदर भी सारा, अंदर सारा जो है वो मॉल का एरिया है।
बिन दाऊद का मैंने आपको बताया था, ये देखें नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर बिन दाऊद है, ये बिन दाऊद का साइन लगा हुआ है, और नीचे देखें बिन दाऊद का स्टोर एरिया, काफ़ी बड़ा है ये। देखें ये एलिवेटर यहाँ पे हैं, मॉल एरिया काफ़ी बड़ा है। मैं आपको बस क्विक जो है वो झलक दिखा रहा हूँ, ये बिन दाऊद का एरिया है सामने, नीचे सारा जो है वो बिन दाऊद है। देखें कुछ मज़ीद स्टोर सामने, देखें अल तैबा होटल है जो अमेरिका वगैरह से लोग आते हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह से कुछ लोग यहाँ पर भी रहते हैं इस होटल में भी। ये देखें ये आपको मैं क्विक दिखा रहा हूँ शॉप्स वगैरह जो कि बिल्कुल फ्रंट पे बनी हुई हैं। ये देखें ये डेकोरेशंस, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पे माशाल्लाह। मेन एंट्रेंस और मेन एग्ज़िट जब हम लोग आए थे तो हम यहाँ से एंटर हुए थे, और फिर एस्केलेटर लेके या आपने एलिवेटर लेनी है, एलिवेटर लेके आप ऊपर जा सकते हैं। अभी जब हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे तब भी हम लोग यहीं से बाहर आएंगे, और हमारी जो कैब होगी वो यहीं पर कहीं सामने खड़ी होगी। देखें ये लोगों के जो ग्रुप्स वाले हैं उनकी बसेज वगैरह यहाँ खड़ी हैं, यहाँ से मेन एंट्रेंस है, तो गेट नंबर 1 है, ये मेन एंट्रेंस है और मेन एग्ज़िट है। ये इनकी पार्किंग है नीचे, ये पार्किंग की एग्ज़िट है। अच्छा दोस्तों, वो सामने जो होटल आपको नज़र आ रहा है ये मोवेनपिक के बिल्कुल सामने, ये हज़रत उस्मान बिन अफ़ान का होटल है, इसका नाम है वक्फ उस्मान बिन अफ़ान। जो भी इससे कमाई होती है वो मस्जिद नबी के लिए वक्फ है, और यहाँ की गवर्नमेंट ने हज़रत उस्मान के अकाउंट से ये होटल बनाया है। मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके चैनल पे देखिएगा। ये देखिए हम पूरा राउंड लगा के होटल का, और दोबारा हम फ्रंट की साइड पे आ गए। देखिए यहाँ से आपको होटल दिखाता हूँ। तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।